हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी का सिलेबस। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रोज़ ऐसे आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। और आपके ये जो सिलेबस है उसका फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ सिलेबस में फोर्थ नंबर है, उसका पार्ट है क्वेश्चन एंड डिज़ाइन। तो क्वेश्चन एंड डिज़ाइन के बारे में हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन एयर डिजाइन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन डेटा कलेक्शन फॉर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। वेल डिजाइंड क्वेश्चन एयर्स गैदर रिलेवेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, इनेबलिंग प्लानर्स टू अंडरस्टैंड प्लानिंग प्रेफरेंसेस, ओपिनियन, बिहेवियर एंड नीड्स। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई चौराहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है ना, बहुत ज़्यादा इस चौराहे पे जाम लगता है। अब मुझे एक फ्लाईओवर बनाना है इस चौराहे के ऊपर। अब क्या है कि मुझे लोगों से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्या आप इस फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, आप मतलब आपकी ट्रिप लेंथ क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपका जो मेन डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, इन बिटवीन ज़्यादा डेस्टिनेशन तो नहीं है। अगर हम सरकार की तरफ से फ्लाईओवर बनाते हैं तो क्या आप उसका यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, है ना। कई जगह हम फैमिली इनकम का सर्वे करते हैं, अलग अलग सर्वे हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब उस सर्वे को करने के लिए हमारे पास एक पेपर होना चाहिए, है ना। आजकल तो हम जनरली किसके थ्रू करते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू करते हैं, लेकिन एक जनरली एक पेपर होना चाहिए, कागज़ होना चाहिए जिसपे अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हों। वो क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजी होने चाहिए, है ना, और उसका जो ऑर्डर है वो ईजी से टफ की ओर ऑर्डर होना चाहिए, और फटाफट रिस्पोंडेंट्स उस पर रिस्पोंड कर पाएँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमें बनाना है। सबसे पहले आता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव उसमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्लियरली आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन एयर, वाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डू यू एम टू गैदर, हाउ विल इट कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग डिसीजन। निम्न में से कौन सी स्पेसिफिक जो चीज़ है वो आप गैदर करना चाहते हैं और आपका मेन पर्पस क्या है। तो अब देखिए, है ना, अभी जैसे एक क्वेश्चन एयर का सिंपल है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति की एज ये लगभग लिख दें, जैसे ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फिक्स 45 ही चाहिए, ऐसा नहीं, 40 से 45, है ना। कोर्स एंड ईयर डेट आप डाल सकते हैं, नेबर, डू यू यूज़ द इंटरनेट फॉर रिसर्च, तो यहाँ पर आप हाँ वेरी ऑफन मतलब बहुत प्राय हम यूज़ करते हैं, 4 पे टिक कर दिया। इस टाइप से आप एक क्वेश्चन एयर डिज़ाइन करते हैं, उसमें अलग अलग जो हैं क्वेश्चंस उसके अंदर डालते हैं। जैसे कि एक सैम्पल प्रेजेंटेशन है कि, है ना, आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन डाल सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं कि एक्सीलेंट है, नेचुरल है, गुड है, बैड है ना। रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं कि साइट एडिटेबल है, अपना फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इस टाइप से चीज़ें डाल सकते हैं, जो एक सिंपल टाइप है क्वेश्चन का। अब देखिए, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। अब ये नहीं कि आपको फ्लाईओवर के लिए सर्वे करना है और आप लोगों जो घरों में जो बैठी ऑडियंस है आप उससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो टारगेट ऑडियंस जो है फॉर क्वेश्चन एयर, वेर रेजिडेंट्स, बिजनेस, कंप्यूटर, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप के हैं, तो इस टाइप के हमें ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। चूज क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप्स, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, प्रोवाइड डिफाइंड आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यस नो रेटिंग स्केल्स। तो हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो हैं अप्रोप्रिएट क्वेश्चन चूज़ करने पड़ेंगे, है ना। ओपन एंडेड भी होने चाहिए और क्लोज एंडेड भी होने चाहिए उसके अंदर, कि भैया आप मतलब आप क्या आप कार यूज़ करते हैं, यस और नो, क्या आपके घर में कार है, यस और नो। ओपन एंडेड भी होते हैं कि फ्रीली लोग रिस्पॉन्स कर पाएँ कि आप क्या सोचते हो कि गवर्नमेंट सही है या नहीं है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स, है ना। तो ये एक फ्री रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस्टेब्लिश फ्लो, स्ट्रक्चर द क्वेश्चन एयर लॉजिकली विद ए क्लियर फ्लो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टू एंगेज रिस्पोंडेंट्स। तो सबसे पहले आप उससे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो भी रिस्पोंडेंट्स है, अब उसके पास क्या होता है कि टाइम होता नहीं है, तो उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जवाब तैयार करेगा, तो उसी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, है ना, तो लॉजिकल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसको इंगेज कर पाएँ। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, अवॉइड फ्रेजिंग क्वेश्चंस इन वे दैट इन्फ्लुएंस आंसर टू बायस देयर ओपिनियन। तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि जिससे उसे कुछ लीड मिल रही हो, है ना, उस तरह से, ताकि इस मतलब कि हमें ऐसा करना चाहते हैं हम, तो वो बायस्ड होके हमारा कुछ आंसर दे। कीप क्वेश्चंस क्लियर एंड कॉन्साइज, जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने चाहिए उसमें, वो ज़्यादा ऐसी, क्योंकि वो आम आदमी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो कन्फ्यूज़ ना हो। यूज़ नेचुरल वर्डिंग, जो नेचुरल वर्डिंग जो होती है, अनबायस्ड वर्डिंग होती है, उसको आपको यूज़ करना है। इमोशनली चार्ज लैंग्वेज को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। न्यूट्रल लैंग्वेज, अनबायस्ड लैंग्वेज, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो, क्या आप चाहते हैं यहाँ फ्लाईओवर बने, है ना, कितने टाइम तक आप चाहते हैं कि फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, है ना।
इंश्योर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव ऑप्शंस। तो विच क्लोज एंडेड क्वेश्चन इंश्योर आंसर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप एंड एग्जॉस्टिव कवरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन आप उसे बार बार पूछ रहे हैं कि फ्लाईओवर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, है ना, क्यों बनना चाहिए, कब तक बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, है ना। इस टाइप से आप एक ही चीज़ पे क्वेश्चन अपना टाइम वेस्ट नहीं, आपको उसका ओपिनियन जानना है कि यहाँ पर फ्लाईओवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वो फ्लाईओवर यूज़ करेगा, यस और नो, है ना। इस टाइप से आप उसमें, जिससे कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाए। लिमिट आंसर चॉइस आप लिमिट कर दो। कीप द नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस मैनेजेबल स्पेशली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू अवॉइड ओवरवेलमिंग रिस्पोंडेंट्स। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इनकम, फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख, है ना, इस टाइप से 1 to 5, है ना, 5 to 10, 10 to 50, है ना, 50 and more, इस टाइप से आप लिमिट कर दो कि हाँ इतने। यूज रेटिंग स्केल इफिशियंसली। इफ़ यूजिंग रेटिंग स्केल्स डिफाइन द स्केल्स वेरी 1 to 5, है ना, डिससेटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड तक हमें जो है रेटिंग स्केल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेटिंग स्केल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला है यहाँ पर, है ना, 4 जो है बहुत ज़्यादा, ये 4 वाला ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये रेटिंग स्केल जैसे 1 एक्सीलेंट हो गया, 2, 3, 4, या 1 को आप लीस्ट कर दें और 5 को आप मैक्सिमम कर दें। इस टाइप से आपको अपना रेटिंग सिस्टम भी डिज़ाइन करना है। प्रिटेस्ट द क्वेश्चनेयर, प्रिटेस्ट द क्वेश्चनेयर विद अ स्मॉल सैंपल रिस्पोंडेंट टू आइडेंटिफाई एनी इशू विद क्लियरिटी वर्डिंग और फ्लो। तो आप जब भी क्वेश्चनेयर लेके मार्केट में निकलने जा रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ 2-4 अपने दोस्तों पर, अपने साथियों पर उस क्वेश्चनेयर से प्रैक्टिस कर लें, और जो क्वेश्चनेयर में वर्ड का जो फ्लो आ रहा है, जिस टाइप से आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो वर्ड का फ्लो आप तैयार कर लें। इंक्लूड डेमोग्राफिक क्वेश्चन, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक क्वेश्चन टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्पोंडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर, इनकम, एज, इस टाइप की आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन टाइप, यूज अ मिक्स क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन टू गैदर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव डाटा। तो हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए कि आपके घर में कितनी कार है, तो आप वो बोलेगा 2, अच्छा, तो फिर आप जनरली यूज़ करते हैं कि कार आप जनरली यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, घर से जाने के बाद, यस और नो, तो वो यस और नो। तो दोनों टाइप के हमारे पास जो है क्वेश्चंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव डाटा भी मिल जाए कि आपके घर में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, बोलेगा कि 8 हैं, है ना, आपकी फैमिली इनकम कितनी है। अब यहाँ पर जैसे, है ना, क्वालिटेटिव आ गया कि 50 लाख प्लस है फैमिली इनकम, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बैलेंस क्वेश्चन लेंथ, बैलेंस द लेंथ ऑफ क्वेश्चन टू मेंटेन रिस्पोंडेंट इंटरेस्ट एंड प्रिवेंट फटिक। अब आप अगर बहुत लंबा लंबा उसको क्वेश्चन समझाने लगेगी, अब वो कहीं जा रहा है रास्ते में, अपना काम छोड़ के आपके लिए रुका और आप उसको बहुत 4-5 लाइनों का समझाने लगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि फटिक होगा, बीच में रिदम टूटेगी, फिर वो डिसइंटरेस्ट शो करेगा और वो निकल जाएगा। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन, अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन दैट एड्रेस मल्टीपल इश्यूज एट वंस, एज दिस कैन कन्फ्यूज रिस्पोंडेंट टू लीड द इनएक्यूरेट आंसर। तो आप उसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो उसको डबल एंडेड होगी, मतलब ये भी हो सकता है, 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 इस टाइप के क्वेश्चन हमें उससे नहीं पूछने, उसको कन्फ्यूज नहीं करना है जो भी रिस्पोंडेंट से, जो व्यक्ति। पायलट टेस्टिंग कंडक्ट, पायलट टेस्ट विद अ स्मॉल ग्रुप टू आइडेंटिफाई इशू रिफाइन द क्वेश्चनर बिफोर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक पायलट टेस्टिंग करनी पड़ेगी छोटे लोगों के, छोटे जो ग्रुप हैं उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। कंसिडर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आजकल जो है मेजरली जो आप देख रहे होंगे कि गूगल फॉर्म की सहायता से सारा का सारा काम हो रहा है ना, गूगल फॉर्म्स का हम यूज़ करने लगे हैं, ईमेल का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, वेरियस क्वेश्चन टाइप एंड डेटा एनालिसिस टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे YouTube पे आप ऑन करते हो तो YouTube पे भी कई बार वो सर्वे शो करता है कि ये जो मटेरियल है आपके काम का है या नहीं है, इस टाइप से। टेलर टू द कॉन्टेक्स्ट, कस्टमाइज द क्वेश्चन है टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तो प्लानिंग प्रोजेक्ट एड्रेसिंग रिलेवेंट इश्यूज एंड कंसर्न्स। तो आप इस टाइप से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं क्वेश्चन हेयर को कि उसमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो प्लानिंग प्रोजेक्ट के और जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उसको कंसर्न कर सकते हैं। इनकरेज ऑनेस्ट, जो भी सच्चाई के साथ रिस्पॉन्स कर रहा है उसको आप इनकरेज कर सकते हैं, आप कुछ भी उनको एक पेन गिफ्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे है, या जब ग्रुप ऑफ पीपल्स अपना रिस्पॉन्ड देते हैं तो आप उन्हें कि हाँ बहुत थोड़ी तारीफ कर सकते हैं, तो इस तरफ से हमें उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन एंड कंसर्न अबाउट द क्वेश्चनर। अगर लोगों क्वेश्चनर के बारे में कुछ कंसर्न है, कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर वहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। समरी की बात करें दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपको क्वाइट इंगेजिंग लग रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वेल डिजाइन क्वेश्चनर इंश्योर दैट ऑल डाटा कलेक्ट एक्यूरेटली, रिस्पोंडेंट्स
perspective and provides valuable insight for planning decision. By following best practice, consider the target audience. Planner can create questionnaire and yield meaningful results and contribute to effective urban and regional strategy development. तो जो भी हमें planning करना है उसके लिए हमें data इकट्ठा करना है, उस data के लिए हमें questionnaire बनाना पड़ेगा, उस questionnaire के माध्यम से ही हमें data देखने को मिलेगा, तो उसका हम use करते हुए हम कोई भी decision बनाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं और आपसे मैं सिर्फ एक ही अनुरोध कर सकता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।